वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम सर्वप्रथम प्रश्न को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आज का प्रश्न है गुरु जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम। मैं आरजू यादव प्रयागराज से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न है गुरुदेव भगवान, यह जानना चाहती हूँ कि मुझे सब अधूरा ही क्यों मिल रहा है। एक दिन सपने में देखा कि अब मेरे गले में कंठी बंधी है, पर गुरु मंत्र नहीं मिला मुझे। और एक दिन सपने में देखा कि मैं किसी मंदिर में हूँ, वहाँ एक पंडित जी बोल रहे हैं कि राधा रानी के चरण चिन्ह के दर्शन कर लो, लेकिन एक ही चरण चिन्ह था, दूसरा चरण चिन्ह दिखाई नहीं दिया। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? अगर कमी है तो उसे कैसे दूर करूं? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें। प्रणाम गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे। ये जो स्वप्न में दर्शन होते हैं, ये पूर्ण रूप से प्राय नहीं होते हैं, ये केवल संकेत होते हैं आगे बढ़ाने के लिए। जैसे किसी को स्वाद वाली चीज थोड़ी सी खिला दो तो उसका मन रहता और मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए, तो उसको तृष्णा बढ़ जाती है, क्षुधा बढ़ जाती है और इच्छा बढ़ जाती है। ऐसे ही भगवान अपनी ओर खींचने के लिए थोड़ा सा स्वाद उसको चखाते हैं कि अब और इधर आने के लिए जल्दी करो, समय बीता जा रहा है। तो जो स्वप्न में दर्शन मिलता है उसके द्वारा प्रभु अपने ओर आकृष्ट करते हैं, इसलिए कुछ अंश ही दर्शन कराते हैं। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरु जी, श्री सदगुरु भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। मैं अनुराधा तिवारी कानपुर से बोल रही हूँ। प्रश्न है कि वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान क्या होता है? गुरुदेव भगवान जी के चरणों में नमन वंदन, कृपा समझाने की बताने की कृपा करें। श्री राधे राधे। श्री राधे। नित्य कर्म वो होते हैं जो प्रतिदिन किए जाएं, शारीरिक कर्मों की बात नहीं है, भक्ति संबंधी कर्म, जैसे भजन करना, ध्यान करना, जप करना, पाठ करना, ये नित्य आध्यात्मिक कर्म है। और शरीर के जो कर्म हैं वो तो अपने आप होते हैं, वो तो पशु पक्षी के लिए भी होते रहते हैं। मल मूत्र त्याग करना, शरीर को धोना धाना, ये सब तो करते ही रहते हैं। लेकिन भक्ति संबंधी कर्म जैसे पूजा करना, पाठ करना, ध्यान करना, जप करना, कुछ व्रत उपवास करना, मौन धारण करना, कीर्तन करना, भजन गाना, ये सब जो है ये नित्य कर्म है। ये नित्य इसलिए कहा जाता है कि जैसे रोजाना झाड़ू लगानी जरूरी है अपने आवास में, झाड़ू नहीं लगाओगे तो कूड़ा इकट्ठे होते होते इतना हो जाएगा कि तुम्हें लगेगा ये तो बहुत गंदा है, यहाँ रहने लायक नहीं, तो रोजाना झाड़ू लगाना पड़ता है। ऐसे ही रोजाना कीर्तन करना, भजन गाना, ध्यान करना, जप करना, पाठ करना, पूजा करना, इसलिए रोजाना करने के कारण इसको नित्य कर्म कहा जाता है। रोजाना करना अर्थात नित्य कर्म। और काम्य कर्म क्या होता है, जिसको पूछा ना, काम्य कर्म। काम्य कर्म का तात्पर्य होता है, तात्पर्य है किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए। जैसे किसी ने मन में सोचा है कि किसी कन्या ने कि मेरी शादी हो जाए, तो वो जो काम करेगी पूजा पाठ का, वो तभी तक करेगी जब तक शादी नहीं हो रही, शादी होने के बाद छोड़ देगी उसको, क्योंकि काम्य कर्म सीमित समय के लिए होता है। ऐसे ही कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कोई विशेष पढ़ाई के लिए, या कोई दर्शन के लिए, कोई भक्ति की प्राप्ति के लिए, कोई किसी प्रकार की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए जिस कार्य को करे उसको अनुष्ठान भी कहते हैं, उसको काम्य कर्म भी कहते हैं। राधे राधे। सीताराम विजेते परम पूज्य महाराज जी को दंडवत प्रणाम। वाराणसी से बोल रहा हूँ। प्रश्न है, जिज्ञासा है, अगर भगवान ही संसार के प्रत्येक क्षण को चला रहे हैं तो मनुष्य के संसार में होने का अर्थ ही क्या? माया में फंसना अनुचित, तो फिर माया किसके लिए रची गई है? क्या ईश्वर इससे अपना मनोरंजन करते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे गुरुदेव।
पहले माया वाली बात मैं बता रहा हूँ। आप ये बताओ, हर जिले में जेल बना हुआ है तो क्या इसीलिए बनाया गया कि तुम सब वहां जाकर भर्ती हो जाओ? जेल बनाया गया उन लोगों के लिए जो जेल में जाने लायक कर्म करेंगे उनके लिए। जेल में जाने लायक जो कर्म करेंगे उनके लिए जेल बना हुआ है। अब आपको बनाया ही क्यों? हम बना नहीं होता तो हम जाते क्यों? अरे बनाया गया उनके लिए जो उसके लायक अर्थात गंदा काम करेंगे जेल में जाएंगे। आप नहीं गंदा कर्म करो इसके लिए वो प्रेरणा दे रहा है कि बच के रहना, नहीं तो यहाँ आना पड़ जाएगा तुम्हें। तो नरक बना हुआ है, दंड विधान बने हुए हैं, ये इसलिए बने हुए हैं कि इनके भय से तुम सही चलो। ये तुम्हारे ऊपर ये नहीं बनाया जाएगा कि तुमको दंड मिलेगा कर्मों का, तो फिर तो पशु जैसा हो जाएगा आदमी। इसलिए अपने को सुसंस्कृत बनाने के लिए, सुसभ्य बनाने के लिए, पवित्र कर्म करने के लिए, भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, ये हमको जैसे एक प्रकार से शासन दिया जा रहा है प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा, कि तुम इसको मान लो, नहीं तो इस शासन में तुम पीड़ित हो जाओगे। तो भय बिन होय न प्रीति वाली जो बात कही गई ना रामायण में, वही है ये कि जब भय होगा तब तुम भक्ति की ओर चलोगे, और भक्ति की ओर जब चल पड़ोगे तब धीरे धीरे प्रीति बाद में हो जाएगी। पहले तो भय के कारण कि भाई मर न जाए कहीं, जिंदगी खत्म हो रही है, अब तक तो बहुत पाप योनि जैसे कर्म करते रहे, अब पुण्य योनि जैसा कर्म करें, इसलिए ये चीज दिया गया कि ये भगवान के शासन। अब माया वाली बात थी क्या उन लोगों के लिए जैसे जेल का हमने बताया, ऐसे माया जो है, जो माया में फंसने का काम करेंगे उन्हीं को तो फंसाया जाएगा। अब जो सत्संग में लगे हुए हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, बचपन से कीर्तन भजन कथा इसी में लगे हुए हैं, बचपन से भजन कथा कीर्तन जप तप ध्यान पूजा पाठ में लगे हुए हैं, उनको माया छुएगी नहीं। माया दूर, माया खल नर्तकी बिचारी, माया का शासन उसके ऊपर नहीं हो सकता जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है। तो भगवान ने हमको संयम में चलने के लिए माया के द्वारा हमको आगाह किया है कि तुम इस माया से दूर रहना, नहीं तो तुम जिस कर्म के लिए पैदा हुए हो वो नहीं रह मिल पाएगा तुमको। तो हमको उधर से बचाने के लिए माया है, जैसे जेल वाली बात मैंने, सब चला रहे हैं तो मनुष्य के होने की आवश्यकता क्या है? भगवान चला रहे हैं इस बात को हम तब मानते हैं जब हमारा लाभ नहीं होता है, जब हानि होती है तब कहते हैं भगवान ने बिगाड़ दिया, और जब हमको लाभ होता है तब हम अपनी छाती ठोंक कहते हैं मेरे जैसा योग्य कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई योग्य नहीं है, अरे सब मैंने अपने मेहनत से कमाया, भगवान कौन होता है, ऐसे बोलते हैं। तब कहते हैं भगवान कौन होते हैं, सब मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तब ठाकुर जी एक थप्पड़ लगा के दिखा देते हैं कि कमाया है तो अब देख कहाँ है, तू कमाया है बहुत तो देख ले अब कहाँ चला गया, सब बहुत मेहनत करके कमाया लेकिन अब तो तेरी बुद्धि कहाँ चली गई, घाटा ही घाटा हो रहा है। तो जब कृपा का अनुभव करोगे तो फिर भगवान की कृपा दिखलाई पड़ने लग जाएगी। अहंकार पालोगे तब दिखलाई पड़ जाएगा कि हमारा कुछ बस नहीं है, अर्थात हमारे अंदर शक्ति सामर्थ्य नहीं है, अहंकार के कारण हम भ्रमित हो रहे थे, इसका अनुभव ठाकुर जी कराते रहते हैं। तो प्रभु की कृपा का अनुभव करोगे तो भक्ति करोगे, अहंकार का अनुभव करोगे तो दुख पाओगे। इसलिए ये भगवान की कृपा पूर्ण लीला है, उनकी लीला को समझकर भक्ति में लगना चाहिए। श्री राधे राधे। गुरु जी जय श्री राधे राधे। मेरा नाम विक्रम सिंह है। इनका प्रश्न है, गुरु जी मैंने बहुत पाप किए हैं और अब मुझे उनकी सजा भुगतनी पड़ रही है, गुरु जी मुझे भी कुछ उपाय बताएं जिससे कि मेरे पाप नष्ट हो। जय श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। पहली बात यह है कि
पाप पुण्य दोनों भोगने के लिए शरीर ही मिला है। यदि एक भी पाप नहीं रह गया होता तो जन्म ही नहीं होता। हर किसी की बात है, एक भी पाप नहीं रह गया होता, पूर्ण निष्पाप होते तो जन्म क्यों होता। हां, भगवत पार्षदों का जन्म होता है निष्पाप होने पर, भगवान की लीला में भाग लेने के लिए, या भगवान के द्वारा भेजे जाने पर कुछ उन प्रभु की सेवा का पालन करने के लिए। लेकिन जो सामान्य मनुष्य होते हैं वो पाप और पुण्य दोनों का भोग करने के लिए जन्म लेते हैं। पुण्य के द्वारा उनको सुख मिलता है और पापों के द्वारा उनका शोधन होता है। शोधन का तात्पर्य मैल का नाश, जैसे कि कंबल में ज्यादा मिट्टी हो तो दो डंडा मारो कंबल को तो धूल झड़ जाती, कंबल को दो तीन डंडा मारो तो धूल झड़ जाती है ना, फिर कंबल साफ सुथरा हो जाता है। ऐसे जो ज्यादा गंदा होता है तो उसको लगाते हैं जब यमराज के दूत डंडे, तब वो चिल्ला करके कहता अब हम नहीं ऐसा करेंगे, अब छोड़ दो, एक बार और मौका दे दो प्रभु। तो ये पाप का दंड भोगने के बाद जीव शुद्ध होता है, और पुण्य का फल भोगने के बाद यदि सत्संग मिला तो सच्चा भक्त हो जाता है कि सेवा का मौका प्रभु ने दिया हमको। यदि भक्त का संग नहीं मिला तो पुण्य का फल जो उसको सुख सुविधा धन संपत्ति मिली है पुण्य के कारण, यदि भक्तों का संग मिला तो परोपकारी हो जाता है, परोपकारी हो जाता अर्थात दूसरों को सुख पहुंचाता है, भगवान का सेवा कार्य में लग जाता है, कल्याण के कार्य में लग जाता। और यदि उसको सत्संग नहीं मिला तो फिर अहंकार में फूल करके दूसरों को सताना शुरू करता है, किसी को देखकर कीड़ा मकोड़ा के बराबर उसको मानता है, अपने को ब्रह्मा से बड़ा मानता है, फिर उसको दंड मिलता है। पुण्य होने पर भी पतन के गर्त में चला जाता है, सत्संगहीन होने से, पुण्य होने पर भी सत्संगहीन होने से पतन के महागर्त में गिर जाता है। और यदि पुण्य ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा भी हुआ, तो उसको भगवान की कृपा से सत्संग मिल जाता है, और उसी थोड़े पुण्य से ही महान पुण्यात्मा होकर के आगे बढ़ता जाता है, पवित्र कर्म करते करते सच्चा महान भक्त हो जाता है। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। साधन चरण स्पर्श आकांक्षा दुबे प्रयागराज से इनका प्रश्न है। गुरु जी महाराज जी, मेरे घर में चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, मैं फिर भी हर दीपावली में मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा घर लाती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, फिर साल भर बाद गंगा जी में प्रवाहित कर देती हूँ। क्या महाराज जी हर साल नए लक्ष्मी गणेश जी लेना जरूरी होता है, कृपया करके बताएं महाराज जी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। ये भ्रम भ्रम का निवारण कर दीजिए, इसको दूर करिए। लक्ष्मी गणेश हर साल खरीदने का बिल्कुल कोई भी नियम नहीं होता है। आपके घर में चांदी के हों, चाहे पीतल के हों, चाहे धातु, चाहे वो मिट्टी के हों, चाहे वो कोई मेटल के हों, जब गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, चाहे वो सिक्के में हों, जैसे चांदी के सिक्के में होते हैं, आप उनकी पूजा करो, दूसरे मत ले आओ। और दूसरे ले आओगे और साल भर बाद उनको फेंकोगे उठा के, ये भक्ति के साथ बाद में ये पाप कर्म हो गया। उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको जो अपने पास पहले से लक्ष्मी गणेश हैं उनको पूजा करो, प्रणाम करो, उन्हीं का वंदन करो। अरे भाई, जो अपने हैं उनको फेंकने की बात तो बहुत गलत होती है, उनको संभाल करके रखना चाहिए, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। नए लाने की जरूरत नहीं है, पुराने की हिफाजत करो, उसी में कल्याण है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है गुरु जी, महाराज जी प्रदोष और एकादशी में सेंधा नमक खाना चाहिए या नहीं, क्या नमक खाने से व्रत में व्रत का फल आधा हो जाता है या खंडित हो जाता है, महाराज जी कृपया करके संशय का निवारण करें महाराज जी। सादर चरण स्पर्श, राधे राधे, जय श्री राम। श्री राधे राधे। व्रत होता है कई चीजों का पालन करने से, जैसे
भक्ति करने से, परनिंदा परदोष वर्णन करना, श्रवण करना, उसके विषय में चर्चा करना, ये व्रत खंडित कर देता है। व्रत खंडित केवल भोजन से ही नहीं होता है, दूसरों की निंदा चुगली, गुण दोष दर्शन, बुराई करना, ये सब करने से भी व्रत नष्ट हो जाता है। रात्रि जागरण का महत्व होता है व्रत में, किंतु रात्रि में जगें और भक्ति की बात न करें और विपरीत बातें करें तो जागरण का लाभ नहीं मिलता है। जागरण यदि अकेले करना है तो जप करिए, और सामूहिक रूप से जागरण करना है तो नाम कीर्तन करिए या भजन भगवान के गाओ, तब तो जागरण हुआ। इसी तरह से आहार की शुद्धि है, व्रत है आहार की शुद्धि, उसमें फल तो चल सकता है, फल और देशी गाय का दूध ये चल सकता है, लेकिन जब हम अन्न के दोष से केवल बचना चाहते हैं, क्योंकि अन्न खाने का दोष लगता है, पाप लगता है, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। शरीर किसी का बीमार है तो उसके लिए छूट होती है, बहुत ज्यादा वृद्ध हो, बहुत छोटा बच्चा हो, छोटा बच्चा, बहुत वृद्ध और बीमार, इनके लिए व्रत नहीं होता है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए व्रत होता है। तो व्रत करने में अन्न न खाने से अन्न के दोष से बच जाएंगे आप, लेकिन व्रत का फल तब मिलेगा जब भजन बढ़ाओ, बेकार की चर्चा नहीं करो, कुछ रात्रि जागरण करो और फलाहार करो। यदि निभा सको भजन में बाधा न आवे तो केवल जलाहार से कर सकते हो, जल का आहार करके भी कर सकते हो, लेकिन केवल जल खाने पर यदि शरीर साथ नहीं देता है, परेशान करता है, तो फिर थोड़ा सा उसको फलाहार देने में कोई दोष नहीं है। भजन बढ़ाना जरूरी है, कीर्तन करना, जप करना, कथा सुनना, इनकी आवश्यकता ज्यादा होती है। खान पान के संयम की आवश्यकता ज्यादा नहीं है, उससे कम है, अर्थात भजन कीर्तन जप ध्यान से कम है फल के त्याग, भोजन के त्याग का महत्व। तो भोजन में संयम कर लो, लेकिन भजन में बढ़ाव जरूर करो, वृद्धि करो, तब लाभ पूरा मिलता है। श्री राधे राधे। सुपर सरकार जी, गुरु जी, बैतूल जिला मध्य प्रदेश से, राधे राधे, दंडवत गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, क्या आपने इनमें से किसी महापुरुष को भी दर्शन किया है? आपने जो भी चरितावली सुनाई है, कृपया बताएं, भाव विभोर हो जाता हूं जब आपकी द्वारा सुनाई चरितावली को सुनता हूं। श्री राधे राधे। राधे राधे। हाँ भाई, बहुत लोगों का दर्शन ठाकुर जी कृपा से किया है। श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी की चरितावली 51 भाग में सुनाया मैंने, उनका दर्शन भी किया, उनके पास भी बैठा। कल्याण देव जी का सुनाया है 3 भाग में, शायद उनके पास बैठ के भागवत कथा किया, जहाँ सुखताल में सुखदेव जी महाराज ने भागवत सुनाया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का चरित्र सुनाया, उनके पास तो बहुत बार बैठा। देवराहा बाबा का चरित्र सुनाया, विस्तार से भी सुनाया। देवराहा बाबा के पास बहुत बार मैं जाता था, उनकी जमात में मैं 10 महीना रहा। तो राधा बाबा का सुनाया, राधा बाबा के पास भी गया था मैं, दर्शन भी किया था गीता वाटिका गोरखपुर में। तो ऐसे बहुत से संतों का चरित्र ठाकुर जी की कृपा से जितना याद था मैंने अभी नाम बोल दिया, और भी हैं इनके अलावा भी। देवी माता का चरित्र सुनाया, उनका भी दर्शन किया कई बार, और ऐसे बहुत से संतों का, जैसे तपोवनी माता, सुभद्रा माता, वो हमारे आश्रम में ही 2 बार आई थी। तो अभी जितना याद आया उतने को बता दिया। जिन लोगों का सुनाया है उनमें से कई लोगों का दर्शन भी मिला। हाँ, यहाँ पर आई थी जो मंदिर के शिखर पर इटावा के पास बैठी थी माता, 18 महीना धेमा देवी, वो यहीं हमारे पास ही आई थी माता दर्शन देने। अभी एक माता आई थी जिनके हाथ में मक्खन आ जाता है, सुनीता गोपी माता, वो भी यहीं दर्शन दे गई हम लोगों को।
तो आश्रम में भी कई संत और महात्मा लोग आए, दर्शन दिए, और जब आश्रम नहीं था तो मैं उन लोगों के पास अधिकतर जाया करता था। फिर तो ठाकुर जी की कृपा, संतों के दर्शन मिलते रहे हैं, और जब जब प्रभु कृपा करेंगे आगे भी मिल सकेंगे। श्री राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं पंकज कसाना मवाना मेरठ से, मेरे कुछ प्रश्न है गुरु जी। यदि कोई अनजाने में चीटे चीटी या कोई भी कीड़ा अधमरा हो जाए तो उसे ऐसे छोड़ दे या उसे दया मृत्यु देना उचित है? श्री राधे राधे। राधे राधे। ये दया मृत्यु शब्द बिल्कुल गलत है, शब्द ही गलत है। मृत्यु देने का अधिकार आपका कहां से आ गया? ये तो भगवान का अधिकार है। काहे की दया, निर्दयता की बात करो उसमें। दया मृत्यु नहीं, निर्दय मृत्यु कहो उसको। दया मृत्यु शब्द ही गलत है। किसी को मृत्यु देने का अधिकार भगवान का होता है। हम उसको जबरदस्ती मार दें, जिंदा प्राणी को हम मार दें और कहें दया मृत्यु, एकदम गलत शब्द है। ये तो निर्दय मृत्यु हुई, इसलिए ये शब्द बोलना ही अनुचित हो गया। पहली बात तो समझिए, जब हम किसी को जिलाने की शक्ति रखें तब मारने की शक्ति मानी जा सकती है। प्रभु सकी त्रिभुवन मार जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। लंका कांड में लिखा हुआ है, जब बंदर मर गए युद्ध में, तो वहां से चलते समय राम जी को बड़ी दया आई कि हमारे साथ ही लोग आए थे, अब यहां मर गए, अब इनको छोड़ के चले जाएं? ऐसा नहीं हो सकता है, हम इनको मरा हुआ छोड़ के नहीं जाएंगे, इनको जिंदा करेंगे। तो भगवान एक मनुष्य की मर्यादा में रहना चाहते थे, इसलिए इंद्रदेव को बोले, इंद्रदेव इनके ऊपर अमृत की वर्षा करो, ये सब मरे हुए बंदर जिंदा हो जाएं। और भगवान ने इंद्रदेव के द्वारा अमृत वर्षा के जिंदा किया, मरे हुए छोड़ के नहीं गए। और उस जगह पर ये लिखा हुआ, प्रभु सकी त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन बढ़ाई। भगवान ने इंद्र को बड़प्पन प्रदान किया, यश दिया, नहीं तो भगवान स्वयं चाहते तो जिला सकते थे। तो भाई, जब जिलाने की शक्ति हमारे पास नहीं है, मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति नहीं है, तो हम जिंदा को मारने का पाप क्यों करें? मरे हुए को पहले जिंदा करो, चार छह को, तब इसके बाद किसी जिंदा को मारने की बात सोचो। इसलिए दया मृत्यु यानी निर्दय मृत्यु की बात हो गई। ऐसी गलती कभी करनी नहीं चाहिए। जब तक प्राण है शरीर में उस प्राणी के, तब तक उसका इलाज करो, उसकी सेवा करो, उसकी दवाई करो। कितना ही दुख पा रहा है, पीड़ा पा रहा है, उसको अपने से नहीं बन रहा, अस्पताल में ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, चिकित्सा कराओ, उसको मारने की बात सोचो तक नहीं तो बहुत पाप लग जाएगा आपको। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, यदि जब काउंटर खराब हो जाए और ठीक ना हो तो उसका क्या करें? श्री राधे राधे। जब काउंटर खराब हो जाए। राधे राधे राधे। बस उसमें इतना ही फर्क आएगा कि वो आपको शो नहीं करेगा कि कितना जप किए हो, ठीक है, लेकिन भगवान का नाम तो जपा ही रहा है आपसे, भगवान का नाम तो जपा रहा है ना काउंटर है। अरे उसमें देखना बंद कर दो कि कितनी गिनती हुई है, उंगली चलाए जाओ, तुम अंगूठा चलाए जाओ। जब तो पहले यही करते थे ना, जब उसमें दिखलाई पड़ रहा था तो अंगूठा चलाते थे और जब मन में आता था देख लेते थे कितना जप हो गया। अब यह मत देखना, जब तक नया नहीं मिल जाता तब तक। नया काउंटर मिल जाए या उसमें सेल डालने का हो सिस्टम तो सेल डाल दो, नया मिल जाए तो नए से करो। जब तक नया नहीं मिलता है तब तक उसी से अंगूठा दबाते जाओ, जप करते जाओ, जप चलेगा इसी तरह, इसी बहाने से। बस उसमें देखना बंद कर देना कि कितना जप हुआ है, लेकिन जप बंद मत करना। नया काउंटर मंगवा लो, खरीद लो, कहीं से भी इंतजाम कर लो, जप चालू रखो। राधे राधे। जब तक नहीं नया आता तब तक पुराना सही करते रहो। राधे राधे। अगर घर में वास्तु दोष हो और सही ना हो
सकता हो? क्या नाम जप से उसका असर खत्म हो सकता है? गुरु जी, जब से आपने कहा है कि 21,600 कम से कम नाम जप होना चाहिए, तब से मैं 12 घंटे की नौकरी होने के बावजूद हरि कृपा से कम 21,600 राधा नाम लेने में सफल हो रहा हूं। गुरु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, श्री राधे राधे। बहुत सुंदर बात है, ठाकुर जी की कृपा से आपको ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि 21,600 जप कम से कम होना चाहिए और आप सफल भी हुए, ये भगवान की कृपा इसमें है। आप प्रभु की कृपा को मानिए तो और इसमें सात्विकता आएगी, अहंकार नहीं आएगा, भक्ति बढ़ेगी। और वास्तु दोष की जो बात है भाई, अब कुछ लोगों का ये धंधा है, पेशा है, मैं इसलिए उसमें बोलना नहीं चाहता ज़्यादा। तमाम यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे वास्तु दोष ठीक करने वाले लोग। अब मैं उनके धंधे के विपरीत तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि भक्ति महारानी में एक शक्ति है कि आप यदि भगवान की भक्ति में लग जाओगे तो वास्तु दोष पता नहीं कहाँ चला जाएगा। आपको भक्ति लेकिन करनी पड़ेगी, तभी होगा, बिना किसको किए नहीं होगा। और यदि आपका भवन इस लायक है कि द्वार के आसपास में नाली की बदबू यदि नहीं हो तो हनुमान जी और गणेश जी द्वार के एक एक तरफ विराजमान हो और उनका आदर भी करो, संभव हो तो ऐसा करना, और नहीं तो कम से कम एक घंटा नाम संकीर्तन परिवार में, जितने लोग घर में उपस्थित हैं, जो बाहर नहीं गए हैं, घर में विराजमान हैं, उन सब लोगों को कहो कि एक साथ बैठो और एक घंटा कीर्तन 24 घंटे में एक बार एक घंटा कीर्तन, चाहे शाम, चाहे सुबह, चाहे रात में, चाहे दोपहर में, चाहे जब, ये जो रोजाना करो तो कैसा ही भयंकर से भयंकर वास्तु दोष होगा वो सब खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो जाएगी, घर में मंगलमय वातावरण हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा मिट जाएगा, सब प्रकार से शांति सुख समृद्धि प्राप्त हो जाएगी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, अर्जुन राजवाड़े अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से हैं। श्री विजय मंत्र के आचार्य कौन है? वर्तमान में मुझे यह दीक्षा लेने की इच्छा है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए गुरुदेव। श्री राधे राधे। श्री राधे। विजय मंत्र के आचार्य हनुमान जी को समझो आप। अब हनुमान जी के बाद कौन हुए ये आप जानना चाहते हैं तो समर्थ गुरु रामदास जी हैं और प्रेम भिक्षु जी महाराज हैं, ये लोग जो हैं विजय मंत्र के आचार्य हुए हैं। और अब आप उनका लाभ प्राप्त करिए, विजय मंत्र अर्थात श्री राम, जय जय राम, यही जप करना, यही कीर्तन करना, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय, ये विजय मंत्र है। अब आप केवल उनके विषय में पूछते ही रहेंगे और जप कीर्तन नहीं करेंगे तो पूरा लाभ नहीं मिलेगा। आप बस कीर्तन करते जाओ, जप करते जाओ, शुद्ध अशुद्ध वाली भी बाधा यहाँ नहीं है, बिना नहाए भी कर सकते हो तो पूरा लाभ प्राप्त होगा, निश्चित ही सब प्रकार से विजय प्राप्त होगी, इसलिए विजय मंत्र नाम है। श्री राधे राधे। राधे गुरुदेव। गुरुदेव, आपने पहले ही बोला ना काम्य कर्म और नैमित्तिक कर्म एक ही होते हैं। नैमित्तिक कर्म होता है किसी निमित्त, इनको भी पूछना है क्या? नैमित्तिक कर्म होता है, काम्य कर्म की बात अभी मैंने बताया कि किसी कामना की पूर्ति के लिए, और नैमित्तिक कर्म का तात्पर्य वह किसी के निमित्त कर्म करने के लिए। जैसे आप कोई असमर्थ है कोई असमर्थ जीव है, अब उसके लिए आपने जप किया या करवाया तो ये नैमित्तिक कर्म हुआ। जैसे किसी को बिल्कुल अपंग है शरीर, अब वो हाथ ही नहीं उठ रहा है और उसके हाथ से गौदान करवाना है तो वो तो पूंछ नहीं पकड़ पाएगा, पूंछ को ही उसके ऊपर स्पर्श कराना पड़ेगा या उसके हाथ से स्पर्श करा के दान कराना होगा, तो उसके निमित्त से किया गया दान पुण्य कर्म हो गया। अब वो भजन कीर्तन जप नहीं कर पा रहे हैं, उनके मुंह के पास बैठ के आप कीर्तन करवाओ, उनके निमित्त से किया गया
कर्म हो गया और उनका उनको भी उसका फल मिलेगा क्योंकि उनके निमित्त किया गया कर्म हुआ। तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, उनके कल्याण की बात हुई। और काम में कर्म में हमारा स्वार्थ होता है और निमित्त के लिए किसी के निमित्त जिसको नैमित्तिक आप बोल सकते हैं, और भी परिभाषाएं दूसरी भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं तो भक्ति वाली बात बता रहा हूं। तो इसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होगा, कल्याण उनका होगा और उसका कुछ न कुछ अंश आपको भी लाभ प्राप्त होगा। श्रीहरे गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन स्वीकार हो। मैंने स्वप्न देखा कि मैं बिजली ने पकड़ लिया हूं और पकड़ते समय किसको याद करूं, भगवान को। तो मैंने जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कई बार कहा तो पुष्पा एकदास जग गई। तो उसने क्या हुआ, अरे मैं तो जिंदा हूं, मैंने की इसका क्या मतलब हुआ, समय आ गया क्या। राधे राधे राधे, तो बहुत अच्छी बात है। स्वप्न में भी भगवान का नामोच्चारण हुआ और कोई संकट आ गया था स्वप्न में आया हुआ संकट, और उससे निवारण हो गया, मुक्ति उससे मिल गई, संकट मुक्त हो गए। तो प्रभु के नाम का चमत्कार हो गया, स्वप्न में भी चमत्कार हो गया। तो ये बहुत प्रेरक बात है और इसका लाभ उठाने के लिए अधिक से अधिक जप कीर्तन करना चाहिए। राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी की जय। श्री राधे।